हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड मॉर्निंग इसलिए बोला क्योंकि टाइम अभी कुछ 11:30 का टाइम होगा। हाँ जी, यही टाइम होगा 11:30 का। और मैं आई हूँ छत पर। फ़िलहाल मेरा सारा काम हो चुका है और कपड़े धोकर लेकर आई हूँ। और ये रस्सी ना बांधूँगी मैं अभी। ये रस्सी पहले छत पे बंधी हुई थी तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी अभी 1-2 दिन पहले। आपको पता ही था मैंने शुक्रवार को कपड़े धोए थे, बहुत सारे हो गए थे। तो उस दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज़ की और मौसम बहुत ख़राब था। तो फिर मुझे उतार के ले जानी पड़ी, मतलब खोल के ले जानी पड़ी नीचे कमरे में बांधने के लिए। फिर मैं नीचे बांधे, जब जाके मेरे कपड़े डले थे। और आज मुझे लग रहा है कि हल्का फुल्का मौसम, मतलब साफ़ है, बादल खुल जाएगा हल्के फुल्के, शायद धूप निकल आए। तो मैंने कहा चलो छत पे बांध देती हूँ इसे, अब कमरे में ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो जब बारिश होगी तब की तब देखी जाएगी, अभी फ़िलहाल बांध देती हूँ मैं। और वैसे भी मौसम देख कर ही आपको पता चल गया होगा कि आज ना निकली बिल्कुल भी धूप, और मौसम थोड़ा ख़राब सही लग रहा है मुझे। पर लेकिन मैंने एक रिक्स पे कपड़े डाल दिए छत पे कि शायद धूप निकले, क्योंकि इन दिनों जो है ना धूप का बड़ा इंतज़ार रहता है और कपड़े सूखते भी नहीं हैं और थोड़ी हल्की सी महक मारने लग जाते हैं। अगर कमरे में डाल दो ना तो उनमें महक सी आने लगती है गीले कपड़ों में से, क्योंकि सूख ही नहीं पाते फिर वो। फिर इंतज़ार रहता है इन दिनों तो धूप का। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी अपने सारे कपड़े जल्दी जल्दी, और यही दुआ मना रही हूँ कि जल्दी से धूप निकल जाए, हल्की सी निकल जाए, ज़्यादा ना निकले। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। तो कपड़े तो सारे डल चुके थे। फिर मैं आ गई थी नीचे, तो नीचे से आई थी दीदी की यहाँ से इडली गर्मा गर्म। और किस किस को पसंद है इडली खाना मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मुझे तो भाई अच्छी लगती है। तो चलिए आप सब भी खा लीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, और कपड़े मैं छत पे से उतार लाई थी क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब है, धूप तो बिल्कुल निकली ही नहीं आज देखने के लिए भी। तो मैंने कहा छत पे डाल के भी कौन से सूख जाएंगे वो, और टेंशन और हो रही थी मुझे। छत पे कपड़े डाल तो आई थी मैं, फिर ये टेंशन थी कि कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं बंदर ना फाड़ दें, कहीं बंदर ले नहीं जाए, तो मैं बार बार देख कर भी आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार सूख तो रहे नहीं है, कोई धूप तो निकली नहीं है, ना हवा चल रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर पड़े हुए। तो मैंने कहा चलो कमरे में डाल लेते हैं। अब मैंने कमरे में डाल ली, उठा के ले आई थी, ये एक टेंशन फ्री हो गई मैं, अब कोई टेंशन नहीं है मुझे। और हाँ, मैं कमेंट के जवाब दे देती हूँ मैं, जो कि आ रहे थे कुछ दिनों से और कुछ दिन पहले आए थे, मैंने नहीं रिप्लाई दे पाया उसके लिए सॉरी। वो ये सोच रही होंगी बताओ कि कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई वीडियो में नहीं बताया कि कैसे क्या, तो वो मैंने बता नहीं पाया। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। मैंने कमेंट यहाँ पर स्क्रीन शॉट लगा दूँगी कमेंट का। एक कमेंट ये था कि ज्योति आप आगरा में कहाँ रहती हो, तो सिस्टर मैं रहती हूँ आगरा में ताजगंज, ताजमहल के पास। और एक कमेंट था कि ज्योति ये नॉनस्टिक तवा, डोसा तवा कितने का आया था, तो डोसा तवा मैंने एक नहीं लिया था, मतलब कॉम्बो में आया था और ऑनलाइन मंगाया था, ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि अप्पे फैन आता है ना वो भी आया था साथ में, और नॉनस्टिक तवा भी था तो कॉम्बो में मिला था। और हम भारतीय नारी को अगर कुछ सस्ती मिल जाए कुछ चीज़ें तो वो तो पागल ही हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि चलो ले लेते हैं, सही ठीक है। और मैं मार्केट में पूछ कर आई थी तो वो मिल रहा था खाली नॉनस्टिक तवा, यही कुछ 500 के आसपास, और ये मुझे मिल गया यही 570 या 580 के, हाँ 600 के आसपास मिल गया था। तो ये मैंने कहा ये ठीक है, दो चीज़ मिल रही है एक के साथ एक फ्री, अच्छी बात है। तो और हाँ, इडली आ गई है यहाँ पर। मैंने बनाया था शुक्रवार को डोसा, कल समोसे, आज इडली। आए हाय, मज़े आ जाए ऐसे मौसम में तो कुछ मिल जाए खाने के लिए गर्मा गर्म, वो भी आज बनाना ना पड़े तो और मज़े आ जाए। तो काम अभी मतलब मेरा सारा हो गया, बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं, वो बाद में करूँगी। आराम से बैठी हूँ मैं तो कम्बल में ही, देखिए क्योंकि ठंड इतनी तेज़ हो रही है हद से ज़्यादा। कहते हैं ना कि मतलब जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है, मौसम ही मौसम ख़राब है। धूप भी निकलना ज़रूरी है क्योंकि भाई ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है कि थोड़ा शरीर को सिक जाए, धूप मिलनी चाहिए शरीरों को, तो मतलब नहीं निकली। और हाँ, मैं ही कह रही थी कि यार ठंड नहीं पड़ रही, हाँ लेकिन ठंड तो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि ऐसी बहुत तेज़ ठंड हो भाई, 4-5 कपड़े पहन रखे हैं, वो वैसी ठंड नहीं है। ठंड सूखी वाली ठंड पड़ रही है, दिख नहीं रही है कि ठंड है, लेकिन वैसे दिख रही है, बस हाथ पैरों में लग रही है, वैसे नहीं लग रही।
और ये कहोगे कि जूती गर्म सूट पहने बैठी हो, कह रही ठंड नहीं है। ये ऐसा करते यार, वीडियो बनाओ तो हॉर्न बजाते ही चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए आप सबके साथ शेयर भी किया था। और हाँ, ये शादी का कार्ड आया था, अभी अभी आए ये, अभी अभी बिल्कुल ज़्यादा देर भी नहीं हुए हैं, और आए और चले भी गए। ये भी नहीं कहा कि थोड़ी देर बैठ जाए या पानी चाय पानी कुछ हो जाए। इतनी जल्दी में आए ये भगवान, पता नहीं कार्ड बांटने आए थे कि खाली घर देखने आए थे, ये नहीं पता। पर लेकिन फिर मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती इसलिए नहीं की क्योंकि सही बात है, मौसम भी ख़राब है। वो कह रहे थे कि मौसम ख़राब है भाई, कभी भी बारिश हो सकती है और टाइम है बहुत कम। तो मैंने कहा सही बात है भाई, रोक नहीं सकती। मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती इसलिए नहीं की कि हाँ अगर बारिश वारिश आ गई तो रुकना भी हो जाएगा, फिर उनका टाइम भी वेस्ट जाएगा, और भाई टाइम बहुत कम है तो शादी के। मैंने कहा चलो कोई नहीं, और 23 जनवरी की है शादी, देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पहले से कहूं कि हाँ मैं जाऊंगी तो मैं नहीं जा पाती, इसलिए पहले से नहीं मुझे पता कि मैं जा पाऊंगी या नहीं। वैसे ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास की है, फिर भी चाहे वो ज़्यादा दूर की हो या फिर पास की हो, मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा देखेंगे फिर। तो शाम के अभी 7:15 बज रहे हैं और आज मैं पता फ्री रही मैं फ़ोन से भी और कामों से भी, तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा, ना कोई फ़ोन कर रहा है ना कोई फ़ोन उठा रहा है। और एक केशव कितना शोर कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा, और कोई फ़ोन नहीं कर रहा मेरे पास, ना कोई फ़ोन उठा ना रहो, कहो को फ़ोन लगना रहो और कोई फ़ोन काट रहो मेरा, और मम्मी का फ़ोन तो लखे लगता ही नहीं है उनका, तो वो तो उधर से ही फ़ोन करे तो कर ले, नहीं तो फिर लगता ही नहीं, उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम है उनके वहाँ पर। और जो मेरी बहन है ना यार, रहती है पास में गुड्डन, उसके 36 फ़ोन आते थे मेरे पास, आज ना उसने फ़ोन किया ना उठाया। आज मैं बोर हो गई घर में पड़े पड़े, बोर हो गई, और कहने के लिए काम तो था सिलाई का था, लेकिन सिलाई मन नहीं कर रहा था काम करने को, और ये आ चुके हैं। तो बस यही आते ना जब भी शोर ज़्यादा होता मेरे घर में, बच्चों का भी और इनके भी, ये दोनों मतलब ये तो बच्चे बन जाते हैं बच्चों के साथ में। तो 7:15 बज गए हैं, अब देखते हैं खाने में क्या बनेगा। और गुड्डन के घर से आए समोसे, पता नहीं क्यों भिजवा दिए उसने, ये रे पागल है उसने भिजवा दिए, और फ़ोन भी नहीं कर रही हो, ना कर रही ना उठा रही है, उसे पता है फ़ोन उठाऊंगी मैं तो यही कहेगी क्यों भिजवा है पागल है फलाना ढिमका है। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए आ गए तो आ गए वैसे तो। और हाँ, फ़ोन करके भी नहीं भेजा कि मैं भेज रही हूँ, मैं उसे पता है मैं मना ही कर दूँगी, और अचानक भेज दिए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और हाँ, जब मैं बिजी होती हूँ ना काम करती हूँ तब सबके फ़ोन आएंगे लगातार, फ़ोन नहीं करती। आज फ़ोन किया था, फ़ोन ही नहीं उठाया किसी ने, ना लग रहा है किसी का ना कोई उठा रहा है, पता ही नहीं है क्या हो गया। तो मैंने कि अब मैं फ़ोन करूँगी भी नहीं क्योंकि शाम का टाइम है, और अब खाना पीना बनेगा क्योंकि फिर वही बर्तन वर्तन धो के फिर मैं अपने आराम से सो जाती हूँ, मुझे जल्दी नींद भी आ जाती है क्योंकि जल्दी उठना होता है इसलिए। तो चलिए फिर मैंने कहा वीडियो का एंड कर देती हूँ आप सबके साथ में मिलकर, तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। नहीं आ रही यहाँ पे, बोलो मृदुल की वीडियो बोलो, तुम बोलो, तू बोल यहाँ पे मृदुल की वीडियो, मृदुल की वीडियो आता है, ऐसा नहीं आ जाए रेंदे, वो समझ नहीं पा रहा तेरी बात रेंदे, हाँ, है ना। मृदुल की वीडियो में इतना शौकीन है, इतना शौकीन है, सच में बहुत अच्छी लगती है इसे मृदुल की वीडियो, और इसे ने मुझे भी बहुत अच्छी लगती है सच में, मुझे नकुल को, इनको और इसको, हम चारों को बहुत अच्छी लगती है सच में, फेमस है यार मृदुल, और इतना खुश होता है देखकर इतना
अभी आपने देखा कैसा सर्च कर रहा था, मृदुल की वीडियो आ जाए मैं दे दूंगा। अरे दैया ये तो फोन चलाने सीख गया सही में। बहुत अच्छी होती है, बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग। और कौन कौन देखता है, अरे यार लग रही है, और कौन कौन देखता है मृदुल की वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और किस किस को अच्छी लगती है, मुझे तो सच में बहुत अच्छी लगती है, कॉमेडी की है, बड़ी गजब की वीडियो बनाता है वो, पर लेकिन अच्छी है। और टाइम मैंने भी बताया, अभी मैंने कहा खाना पीना बनाने जाऊंगी तो बनाया नहीं, बस क्या बनाया, वो समोसे आए थे वही, बस समोसे बनाए थे वही खा के बैठ गए, फिर ने मना कर दी कि रहने दे। मैंने कहा चलो अच्छी है कि रहने दो, तो मर्जी है, ये ले। और ज़्यादा उंगली इधर उधर मत फिरावे, ठीक है? हाँ तो ज़्यादा उंगली मत चलावे अपनी इधर उधर, जा नहीं तो उंगली घिस जाएंगी ज़्यादा। और अब वीडियो का एंड कर देते हैं, और ये चले गए अपने नीचे किसी काम से, तो मैंने कहा फ़ोन इसको दे के गए, तो मैंने कहा इसकी कारिस्तानी थोड़ा दिखा दूँगा उसको। तो चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। और मैंने वीडियो को एंड कर दिया था, और ये देखो इसको, मैंने कहा चलो इसे भी दिखा देते थोड़ा सा रिकॉर्ड करके।